सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे। तुमने जानबूझकर डराया है ना मुझे? आप डरती भी हैं। गौहर डरती तो किसी के बाप से भी नहीं। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। अच्छा, अगर कोई मुझे तंग करे ना और मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं उसका जीना हराम कर देती हूँ। मौत मांगता है वो मौत, समझे तुम? आपकी वजह से अम्मी मुझसे दूर। मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। वो नाराज हैं तुम्हारी वजह से, दुखी हैं तुम्हारी वजह से। देखो गुल, उनकी रिंग उन्हें वापस कर दो। नहीं करो ये सब, तुम्हें पहले भी समझाया था मैंने। जाओ, जाकर माँ को मनाओ। बेटा वो जहांगीर कह रहा था कि उसके जानने वाले हैं। सम्मी, आप उन्हें मना कर दें। क्यों सुंदस? क्या मिलता है शादी करके अम्मी? दुख, आंसू, अकेलापन। बाबा ने आपको छोड़ दिया किसी और की खातिर। हेलो, अब तो आपका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। अच्छा, तुम? शुक्र है आपने पहचान तो लिया। बकवास बंद करो अपनी। नंबर कहां से मिला मेरा तुमको? दिलावर शाह को जो चीज चाहिए होती है ना, वो पाताल से भी निकाल देता। क्या मुसीबत है, क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? क्या चाहते हो मुझसे? आपसे बात करना चाहता हूँ। और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। खबरदार जो आइंदा मुझे फोन किया, समझे? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल कर। कैसी है गुलरुखा? ठीक हूँ। अच्छा तो ये है वो जिनकी खातिर आपने मुझसे मंगनी तोड़ी। खैर मंगनी तो टूटनी ही थी। ये ऐशो इशरत, ये गाड़ी, मुझे जैसा गरीब आदमी तो नहीं दे सकता था आपको। सर बहुत चाहता था मैंने, लेकिन जाहिर है मुझसे ज्यादा आप चाहते होंगे। खैर चलता हूँ, ख्याल रखिएगा इनका बहुत। मैं कभी जिक्र नहीं किया कि तुम्हारी मंगनी हुई थी। जो चीज खत्म हो गई उसका मैं क्या जिक्र कर दिया। लेकिन तुमने मेरी वजह से उस बेचारे का दिल तोड़ा है। तो फिर देखें आप मुझे कितने ज्यादा अजीज हैं। जहांगीर अभी राबी और दुआ के सदमे से गुजर रहा है। उम्र की वजह से वो जरा सा संभल चुका है। अगर उमर यहाँ आ गया तो वो बिल्कुल ही अकेला रह जाएगा। अभी कुछ दिन और उसको वहां रहना। ठीक है। कौन लेकर आए हैं? बीबी जी, ये वही साहब लेकर आए हैं आपके लिए गुलदस्ता। दिमाग खराब है तुम्हारा? कोई भी कुछ देगा और तुम लेके अंदर आ जाओगी? अकल से काम लिया करो थोड़ा। बीबी जी, उन्होंने कहा था कि आपकी उनके फोन पर बात हो गई है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम्हें उसने फोन किया था क्या? ये कौन है यार? है कोई दीवाना? यार घटिया इंसान, ठीक आदमी।
अरे खुश नसीबी है मेरी कि आपने मुझे फोन किया। खुश नसीबी नहीं, बदनसीबी है तुम्हारी। अब मैं अपने भाइयों को बताऊंगी, जब वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के फेंकेंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। अरे मैं तो खुद आपके भाइयों से मिलना चाहता हूँ। मिलो तो सही, मार मार के वो हशर करेंगे ना तुम्हारा कि तुम्हारे इश्क का बुखार उतर जाएगा। शाम तक तो आ जाते होंगे ना घर, तो मैं उसी वक्त में उनसे मुलाकात के लिए हाजिर हो जाऊंगा। खबरदार, खबरदार जो तुम मेरे घर की तरफ बढ़े भी, मैं तुम्हें। हेलो हेलो, क्या हुआ गौर, क्या कह रहा था? कह रहा था कि भाइयों से मिलने घर आएगा। हिम्मत कैसे है भाई बहन के साथ बदतमीजी करने की? हो कौन तुम, क्या चाहते हो? सब कौन हो तुम? गौर से शादी करना चाहते हो? और समझ के बात करना। ये क्या कर रहे? अरे छोड़ो उसे, रोको। अरे रोको, मर जाएगा। रोके इन्हें आप, रोको इन्हें। रब नवाज, छोड़ दो, छोड़ दो, समझ गया। गौर से शादी करना मेरा आखिरी फैसला है। से पूछ के मुझे इन्फॉर्म कर दो कि निकाह करने कब आओ। कौन है वो शख्स? अरे भाई मुझे क्या पता, मैं तो जानती तक नहीं उसे। क्या जरूरत थी सड़क पर लोगों से लड़ने की, बिना वजह बहस करने की? नहीं, मुसीबत मोल ली। भाई तुम परेशान मत हो, मैं निमट लूंगी। आप कुछ नहीं करेंगी। और उसे आपका नाम और ये घर का एड्रेस किसने दिया? हसन, ये मुसीबत गौहर के गले में बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। पहले उस आदमी ने अपने गार्ड के हाथ फूल भिजवाए माफी मांगने के लिए, लेकिन गौहर ने तो खरी खरी सुना दी उसको और भेज दिया। लेकिन हैरत ये कि आज फिर वो पहुंच गया। इतना सब कुछ हो गया और हमें बताया तक था। आपने अगर उसने अपने गार्ड्स को माफी मांगने के लिए भेजा भी था तो बात को वहीं खत्म करना था। बात बढ़ाने की क्या जरूरत थी? तो क्या करती, एक अनजान आदमी से फूल लेके रख लेती मैं? हसन का ये मतलब नहीं है आपी, आपको बस उससे बिला वजह उलझना नहीं चाहिए था। गुस्सा आ गया था मुझे, काबू नहीं रहा खुद पर, दिमाग खराब हो गया था मेरा। इस तरह बहस करने का कोई फायदा नहीं, हमें मिलकर कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। क्या हल निकालना है? वो हमारे घर में घुस के बदमाशी करके गया है, इसका जवाब हम उसके घर में घुस के देंगे। क्या करेंगे आप? जान से मार दूंगा उसको। नहीं नहीं हसन, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल आप अपने आप को इस मामले से दूर रखें। आप फजूल बकवास कर रही हो, वो हमारे घर में बदमाशी करके गया है और तुम कह रही हो मैं खामोश रहूं, कुछ ना करूं? हसन जब वो यहाँ आया था ना, तभी तुम्हें उसकी गर्दन मरोड़ देनी चाहिए थी। उसने जो कुछ भी किया है उससे उससे ये साफ जाहिर है कि वो एक आम आदमी नहीं है। इस तरह से किसी के घर में बेखौफ घुस जाना, वो भी गार्ड के साथ बंदूक ताने, उस आदमी से कोई बईद नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। बात सुनो। जी साहब। अब चाहे कोई भी आए, किसी के लिए दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं। इस घर की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
जी साहब। साहब मैं आपसे पहले भी बहुत शर्मिंदा हूँ, उस वक्त उसके लोग बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से मैं बेबस हो गया था। इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। कोई बात, ये दुनिया शरीफ लोगों से भरी पड़ी है, कोई कितना ही बड़े से बड़ा बदमाश क्यों ना हो, जब तक उसे शय नहीं मिलती ना, ऐसे किसी के घर नहीं आ पहुंचता वो, और वो भी उसके भाइयों की मौजूदगी में। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मैंने उसे यहाँ पे बुलाया। हो भी सकता है, गैरतमंद भाइयों की वजह से मामला बिगड़ता देखा हो तो फौरन रंग बदल लिया हो आपने। बकवास बंद करो अपनी, क्या कह रही हो ये तुम? लिहाज कर रही हूँ तुम्हारा मैं, वरना ऐसा उल्टे हाथ का दूंगी ना कि तुम्हारे दांत ही टूट जाएंगे। और जैसे कि मैं आपको दांत तोड़ने दूंगी। हाँ खामोश हो जा। क्यों खामोश हूँ? सच बोला तो बुरा लग गया? इस घर में जो भी मुसीबत आती है उसकी वजह यही तो है। एक पल भी सुकून का चैन का सांस नहीं आता सिर्फ इनकी वजह से। मैं कह रही हूँ कि जाओ अपने कमरे में, जाओ यहाँ से। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.